ऐसा लगता है जैसे हम अंग्रेजों के राज में रहते हैं, किसी अधिकारी के पास जाओ वो उठा के दूसरी जगह बता देता है। और आश्वासन मतलब इस पद पे बैठे लोग ऐसा कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा नेता करे या कोई लोग कहे, मतलब ये बड़े बड़े ओएसडी वगैरह लोग ऐसा करते हैं कि आश्वासन दे रहे हैं बच्चों को कि आप जाइए वहाँ पे मीटिंग फिक्स कर दिया और मीटिंग भी फिक्स किया। हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से सभी, कोई हमारे वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से, एमपी से, झारखंड से, सभी बच्चे बिहार यूपी सभी जगह से आए हुए। अब 2 से 2.5 हजार लड़के हैं और 7395 वैकेंसी उन्होंने कम किया गवर्नमेंट कंसलर की, और कहते हैं कि हमको चाहिए ना, ऐसे कैसे दीजिए आप ना निकालते, हमको फॉर्म ही नहीं भरते, हमें क्या जरूरत है, आप हमारी रिक्वायरमेंट क्या चाहते हैं, अकॉर्डिंग थे तो मैंने भरा, अगर नहीं होते तो मैं फॉर्म क्यों भरता, मैं हमने उनके गेट पे से हमें पुलिस वाले उठा लाए, बोले 10 बजे आपकी, 11 बजे आपकी मीटिंग है, और मीटिंग के नाम पे ये बैठे हैं, कोई नहीं वहाँ बात कर रहा है, यहाँ से उठने नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे, क्या हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है आपका, कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं है। आज हमें 4 से 5 महीना हो गया ये चक्कर काटते काटते, अपने पैसों से आते हैं यहाँ पर, आपको क्या पता यहाँ क्या स्थिति हम लोगों की, घर से अटे काम करें, ये देखो स्थिति नहाए धोए नहीं है, 2 दिन से परेशान है, भूखे प्यास से यही बैठे हैं। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग रूल बताया गया है, किसी में बता रहे हैं कि आपका एक नंबर ज्यादा है, किसी में कह रहे हैं कि तुम्हारा एक नंबर कम है, जैसे वेस्टर्न रेलवे से हो तो वेस्टर्न रेलवे में बताया गया है तुम्हारा एक नंबर ज्यादा है, किसी हमारे साथ एक बताया तुम्हारा 3 नंबर ज्यादा है, अगर 3 नंबर ज्यादा आ गया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गया, किसी में बोल रहे हैं कि तुम्हारा एक नंबर कम हो गया, कम भी नहीं आना चाहिए, ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, उन्हें पहले से भी नहीं बताते हैं कितना लाना है, बाद में बताते हैं कि आपका 64 से 67 के बीच आना चाहिए, ऐसे कैसे आ जाएगा किसी का, किसी को क्या पता कि कितने नंबर आने वाले, अगर कोई पढ़ा है उसके 70 नंबर आ गए, उसको बोल दिया कि तुम्हारे 70 आ गए, तुमको हम नहीं दे सकते, जिसका 67 से नीचे है उसको लेंगे, ये क्या रूल है, वेस्टर्न रेलवे में सबसे अलग ही किया है, कहीं किया है कि तुम्हारा नंबर कम रह गया है, कहीं कह रहे हैं ज्यादा रह गया, पता नहीं क्या चल रहा है, वैकेंसी जो है घटा दी है, पहले वैकेंसी थी 20,000 के करीब, अब वो 7,000 के करीब कर दी है, हम कहीं जाते हैं किसी नेता से मिलने के लिए, वो लोग बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं, नेता नहीं है, हमारे पास अपॉइंटमेंट का मतलब हो गया है कि हम तुम्हारे पास नहीं सुना, अपॉइंटमेंट देता है तो 3 महीने बाद करना होगा, 3 महीने बाद बोलते हैं आज मैं नहीं, पता नहीं कहीं भी जाते हैं वहाँ से दिल्ली पुलिस हमसे भर के इधर जनता मंदिर पर डाल देती है, क्या बोलते हैं कि आपको मिलाया जाएगा, जिला से मिलाया जाएगा, 11 बजे का आश्वासन दिया था, 12 बज गया, अभी तक आया नहीं, ना पुलिस वाला आया ना अधिकारी आया, कोई नहीं आ सकता, मैडम हम लोग अभी अपने रोजगार पर आए हैं, हम किसी घर पर टिप्पणी करने नहीं आए, और ना ही हमको ये शोभा देता है हम किसी भी घर में, वो किसी भी बाबा की बात हो, और ना ही हमारे लिए सब घर समान है, किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, अगर सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, हमारा अपना धर्म है, हम अपना विश्वास मानते हैं, लेकिन बिना रोजगार और बिना शिक्षा के ना ही कोई इतिहास गवाह है, इसमें आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सभी हमारे क्वालिफाइड व्यक्ति ब्राह्मण स्टूडेंट्स हैं, किसी भी धर्म के चलाने के लिए शिक्षा सबसे